साउथ इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली अब हर एक पैन इंडिया मूवी का इंतजार बॉलीवुड में काफी जोरों शोरों से किया जाने लगा है। जहां ये आंधी पहले बाहुबली फिर उसके बाद केजीएफ और पुष्पा से चलना शुरू हुई थी, तो वहीं अब इन सभी फिल्मों के रिलीज हो जाने के बाद अब बॉलीवुड के चाहने वाले साउथ इंडस्ट्री के किसी बड़ी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। तो वो मूवी है हनुमान, जिसका बजट वैसे तो 50 करोड़ के आसपास ही है, पर इस मूवी ने बड़ी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ रखा है। आपको बता देते हैं कि जब आज से तकरीबन 9 महीने पहले हनुमान मूवी का ऑफिशियल टीजर मेकर्स ने फैंस के साथ रिलीज किया था, जब से ही हनुमान मूवी के VFX और साथ ही स्टार कास्ट की दमदार एक्टिंग को देखते हुए इस मूवी का इंतजार काफी जोरों शोरों से किया जा रहा है। और अभी हाल ही में फाइनली हनुमान मूवी के मेकर्स ने ऑफिशियल रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसे जानने के लिए हम सभी काफी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। दरअसल आपको बता देते हैं कि हनुमान मूवी को अब मेकर्स साल 2023 में नहीं बल्कि साल 2024 में मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज करने वाले हैं। यानी कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को देखने के लिए हम सभी को अब कुछ ही महीनों का इंतजार और करना होगा, तब जाकर कहीं ये फिल्म 12 जनवरी साल 2024 को तेलुगु भाषा के अलावा भी तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज होगी। वहीं बात करें हनुमान मूवी की स्टार कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में तेज सज्जा, अमृता अय्यर, वीरा लक्ष्मी जैसे साउथ के कई नए कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल ऐसे में क्या आप भी हनुमान मूवी को देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो अब फाइनली हनुमान मूवी की इस न्यू रिलीज डेट के सामने आ जाने के बाद आप इस मूवी को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी फिल्मों से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल AG फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।